Hey guys, how have you been? I hope that you all are good. Guys, in this video, I'm going to teach you IPA. That means International Phonetic Alphabet. देखिए, as you know guys, alphabet are 26. Alphabet letters कितने होते हैं? 26 होते हैं. But you know how many sounds are there? There are 44 sounds. So how these sounds became from just 26 alphabet? I would let you know in this video. इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि देखिए हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स यानी 26 होते हैं, बट देखिए 44 साउंड्स होते हैं. साउंड्स कितने होते हैं गाइस? 44. तो ये साउंड्स बने किस तरीके से हैं, ये किस तरीके से साउंड बने, मैं आपको देखिए पहले बता दूँ किस तरीके से साउंड होंगे, बिकॉज आपने 26 ही अल्फाबेट पढ़े हैं. देखिए गाइस, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद देखिए मैं आपको ये आपको बताऊँगा पूरा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, सपोज ये है कि मैंने यहां पर लिखा कॉस्ट, तो देखिए साउंड किसका आया? का का. अब सी से ही देखिए, सी से ही बनता है सेंचुरी, उसमें किसका गाइस आएगा साउंड? स का. लेटर सेम है सी, यहां पर भी क्या है? सी, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? स का. यहां पर स का आ रहा है, यहां पर का आ रहा है. ऐसे ही गाइस देखें, आपने ये लेटर देखा होगा एक्स, तो गाइस देखें इसमें क्या है, हम बोलते हैं एक्सक्यूज में, एक्स किसका साउंड आया गाइस? एक्स. जहां पर एक्स है वहां पर का साउंड आया, एक्स. लेकिन सपोज मैंने एक वर्ड लिखा, ये स्टार्टिंग में आया, तो मैं इसमें का नहीं बोलूंगा, कैवियर नहीं बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा जेवियर. तो यहां पर आएगा गाइस ज का साउंड, राइट? तो गाइस आप देख सकते, देखिए लेटर एक है लेकिन दो दो साउंड यहां पर बन गए. ऐसे मैंने सी का बताया, कहीं पर कम्युनिकेशन है, कहीं पर कंट्री है, कहीं पर सेंचुरी है, और सी से ही बनेगा वो. ऐसे इसमें जेवियर बोल गया, एक्सक्यूज मी हो गया. और जैसे गाइस होता हमारा एग्जाम होता है, तो देखिए जो हम जो ये लेटर पढ़ते हैं, एक लेटर अलग अलग साउंड दे सकता है, राइट गाइस? सो इसी तरीके से बने हैं 44 साउंड्स. सो गाइस देखिए 44 साउंड्स हैं, और देखिए इनमें क्या है, 20 तो हमारे होते हैं गाइस वाउल, वाउल साउंड. वाउल नहीं बोलेंगे, वाउल नहीं बोलेंगे, वाउल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वाउल, वाऊ. मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है वाउल साउंड. सो 20 साउंड्स आर देयर. वाउल साउंड कितने होते हैं गाइस? 20 होते हैं. और हमारे जो होते हैं कॉन्सोनेंट, और देखिए इसे कॉन्सोनेंट नहीं बोलते, इसे बोलेंगे हम कॉन्सनंट, कॉन्सनंट. मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आप अच्छे तरीके से हर एक वर्ड का मतलब हर एक वर्ड को प्रोनाउंस अच्छे तरीके से आप करें, राइट? देखिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 26 अल्फाबेट से कैसे साउंड बने हैं, तो मैं एक एक करके लेकर चलता हूँ. देखिए 44 साउंड मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में कंप्लीट आपको साउंड में आपको पढ़ा दूं, आप बस बने रहिएगा वीडियो के साथ. तो देखिए सबसे पहले मैं आपको वाउल साउंड सिखाता हूँ. वाउल साउंड होते क्या हैं? देखिए वाउल साउंड एक तो सिंगल साउंड होगा, उसमें डिपथंग्स होता है और ट्रिपथंग्स होता है. सिंगल क्या होता है गाइस वाउल साउंड? जैसे देखिए यहाँ पर ये लिखे हैं सिंगल सिंगल, ये करके लिखे हुए हैं, ये सभी हमारे सिंगल साउंड हैं. लेकिन कहीं पर डिपथंग्स होगा. देखिए जैसे यहाँ पर दो साउंड ये लिखे हुए हैं, ए और ई का साउंड, ए और ई का साउंड एक साथ लिखे हुए हैं, ये हमारे डिपथंग्स होंगे. यहाँ पर भी देखिए आप देख सकते हैं डिपथंग्स हैं सभी. डिपथंग्स में देखिए गाइस सिंगल नहीं है, इनमें देखिए क्या है, यहाँ पर सिंगल सिंगल है, तो ये क्या सिंगल साउंड है, ये है डिपथंग साउंड, ये है ट्रिपथंग्स, यानी इनमें तीन तीन साउंड है यहाँ पे गाइस. तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में. तो देखिए गाइस देखते हैं, चलिए चलते हैं अपना वीडियो पर. तो यहाँ पर लिखा हो IPA यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट. अब देखिए ये स्टडी अगर आपको ये आ जाते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप कोई भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी आप पढ़ते हैं, एक तो आपको ब्रिटिश लोगों की तरह बोलना आ जाएगा, जिस तरीके से ब्रिटिश ये साउंड करते हैं किसी भी वर्ड का, किसी भी लेटर का हम बोलते हैं ब्रिटिश जो बोलते हैं, तो आप उसी तरीके से बोलना स्टार्ट कर देंगे अगर इसे अच्छे तरीके से देखते हैं तो. देखिए गाइस पहला देखिए साउंड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ये गाइस ए का साउंड है, और इसे बोलने के लिए हमें पूरा जो है अपना माउथ का पूरा यूज़ करना होता है, ऐसे करके ए पूरा हमें मुँह पूरा खोल कर बोलना पड़ता है ए.
ये साउंड क्या है गाइज, ए। तो देखिए ये कहां पर आता है, मोस्टली जहां पर ए आएगा ये साउंड ऐसा आता है जैसे होता है बैट कैट, तो हम इसे बैट कैट नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे बैट कैट। तो पूरा मुंह का हम यूज करेंगे, पूरा मुंह जो है खुलेगा हमारा, बैट कैट हैट, जितने भी ऐसे वर्ड होंगे तो ए का साउंड गाइज इसमें आएगा। और देखिए ये जो है आईपीए, ये क्या, ये सिंबल है, ये जहां पर ये लिखा हुआ होगा, ये सिंबल जहां पर आएगा तो आप ये समझ जाइएगा गाइज कि ये ए का सिंबल है। अब यहां पर देखिए मैंने आईपीए में लिख रखा है, मैं एक एक साउंड लिखा है मैंने, मैंने सभी नहीं लिखे, जो यहां पर चल रहा है ओनली वो साउंड मैंने यहां पर लिखा है। तो गाइज आपको यहां पर ऐसा लिखेगा, मतलब किसी भी वर्ड में ऐसा लिखा हुआ अगर डिक्शनरी में मिलता है, ये ओनली मिलेगा आपको या तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हो या कोई भी डिक्शनरी हो, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में गाइज ये साउंड लिखे हुए मिलते हैं, आईपीए साउंड जो होते हैं। तो ये यहां पर अगर ये किसी भी वर्ड में लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है ए। तो बैट कैट हैट किसी भी वर्ड में अगर ऐसा करके आता है तो उस तरीके से करके ये बोला जाएगा। नेक्स्ट साउंड है गाइज हमारा, देखिए डिप्थंग्स मैंने अलग लिखे थे लेकिन ये जो है मैंने पास में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो अब हम इसे ए बोलेंगे या ए बोलेंगे। तो गाइज देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ए नहीं बोला जाएगा क्योंकि हम इसे बोलते हैं डेट, लेकिन हम इसे ए को ए नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे ए। और वैसे मैंने अल्फाबेट करा रखे है, पूरा ब्रिटिश तरीके से मैंने बोलना बता रखा है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें ए टू जेड आपको अल्फाबेट मिलेंगे, राइट। तो गाइज यहाँ पर हम ए नहीं बोलेंगे, यहाँ पर भी ए था गाइज, देखिए यहाँ पर भी ए है लेकिन इसमें हम ए नहीं बोलेंगे। अभी हम बोलेंगे जहाँ हम डेट बोलते हैं बोलेंगे हम डेट, जहाँ ए होगा ए कर हम यहाँ पर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर है डेट हेट डे, हम क्या बोलते हैं डेट हेट डे, लेकिन हम बोलेंगे क्या गाइज ने डेट। देखिए जहाँ पर ये साउंड लिखे हुए हैं मैंने उनके नीचे जो है अंडरलाइन क्या हुआ ब्लैक से, तो यहाँ पर देखिए गाइज ये डेट नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है डेट। ऐसे ही हेट नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है हेट हेट। ऐसे डे नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा डे। ऐसे देखिए गाइज आपके बहुत सारे डे, सभी डेज के नाम होते हैं, जैसे आप संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे बोलते हैं, तो लेकिन बोले कैसे जाएंगे वो संडे ए, डे नहीं बोलेंगे डे, डे के बाद ई तक आना पड़ता है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ए करके हम बोलेंगे। आगे देखिए गाइज ए का साउंड है, ए का, ये गाइज ए का साउंड होता है जो ई की तरह बना हुआ है, ई नहीं है ये साउंड है इसका भी, तो हम इसे बोलते हैं एंड ब्रेड। अब देखिए इसमें लिखे हुए से मतलब नहीं है, बस हमें साउंड चेक करना है। इसमें भी देखिए हमने साउंड चेक किया, साउंड से पता लगता है, ये प्रैक्टिस हो जाती है करते करते। देखिए हमने इसमें भी साउंड चेक किया है, इसमें मतलब बैट का यहाँ पर था डेट का, तो हमने इस चीज़ को लिखा है, बस मतलब इससे मतलब नहीं है, खाली कि ए है तो इस तरीके से ही होगा, ये साउंड देखेंगे बस हम। इसमें देखें यहाँ क्या है बी आर ई ए डी, तो इसे हम बोलेंगे एंड ब्रेड। अब ऐसा करके आपको जो मिलेगा यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, देखिए ये साउंड है जहाँ पर मैंने ब्लैक जो ये मार्क कर रखा है, ये साउंड है जो ये मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। नेक्स्ट गाइज आपका देखिए ई, ई के साउंड हमारे दो होते हैं हिंदी में लेकिन इसमें होंगे हमारे तीन। एक सबसे छोटा साउंड है, जो सबसे छोटा साउंड होता है जैसे सिट हिट विट, यानी आपको देखिए अगर किसी वर्ड में ये लगा हुआ मिले तो हमें बहुत कम साउंड करना है ई का, जैसे हम बोलेंगे सिट हिट विट। ऐसे गाइज ये है, इससे थोड़ा बड़ा होता है ये, तो इसे बोलेंगे हैप्पी वेरी, ये लास्ट में जो है मोस्टली लास्ट में होता है ये साउंड जो होता है, वाई के लिए ज़्यादातर आता है, तो हैप्पी वेरी। तो ये अगर ये आई तरीके से करके इस तरीके करके आपको लगा हुआ मिले ये सिंबल, तो आप समझ जाइएगा ये इससे थोड़ा सा बड़ा साउंड होता है, यानी बड़ी ई का। अब देखिए इससे भी बड़ी ई होती तो है नहीं, लेकिन इससे भी एक बड़ा साउंड होता है ई का, हिंदी में तो दो होते हैं लेकिन इसमें होंगे तीन। तो गाइस इसे बोलेंगे हम ई, थोड़ा लंबा करेंगे इसे, जैसे हम बोलेंगे सी मीट सीट। तो देखिए गाइस कैसे बोल, ये आपको यहाँ पर ऐसे करके सिंबल आपको मिलता है, तो आप समझ जाएगा हमें इस बार जो है क्या बोलना है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या था सीट था, लेकिन यहाँ पर क्या है सीट, तो हमें सिंबल से पता लग जाएगा। अगर देखिए ये सिंबल है तो हम बोलेंगे सीट, और अगर ये सिंबल है तो हम बोलेंगे सीट यानी बैठने वाली, सीट यानी बैठना। तो गाइस हमें सिंबल से पता लगता है कि क्या हमें बोलना है, कितनी देर तक हमें बोलना है। तो गाइज ये वाला अगर आपको सिंबल मिले ये वाला, तो आप इसे बोलेंगे सी मीट, मिट नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे मीट, ऐसे ही सीट नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे सीट, जो ये सिंबल है राइट। उसके बाद चलते हैं गाइज, ये होता ओ का सिंबल, ये आ और ओ मिक्स समझ लीजिए, इस तरीके का करके सिंबल होता है। हम इसे गोट नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे गॉट गॉट, ना कि गॉट, हम बोलेंगे इसे गॉट गॉट। ऐसे हम इसे बोलेंगे ऑफिस ऑफिस,
ऐसे गाइज बहुत से वर्ड बन सकते हैं, गोट हो गया आपका, हॉट हो गया, हॉट हो गया आपका, तो इस तरीके से करके काफ़ी सारे वर्ड बनते हैं। आप जैसे आप अपनी डिक्शनरी को चेक करेंगे तो आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, और मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के मैं डिक्शनरी का नाम भी बता दूंगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं देख देख कर। फिर है गाइज हमारा एक डिफ्थंग्स और लिख दिया मैंने गाइज इसमें, इसमें क्या है गाइज हमारा ये औ अ और उ, वैसे भी ओ नहीं बोला जाता गाइज, अ बोला जाता है, ये आप ए बी सी डी में देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट मैंने करा रखे लास्ट वीडियो में। तो गाइज ये क्या है अ, अ और उ का साउंड होता है, जैसे गाइज लिखा हुआ हम बोलते हैं गो होल्ड ऐसे करके हम बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे गाइज एक्चुअल में बोला क्या जाता है, ये बोला जाएगा ग ग, अ और उ का साउंड आएगा। मैंने हिंदी में भी इसलिए लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें, तो ये बोला जाएगा गाइज ग। ऐसे गाइज हम बोलते हैं होल्ड, लेकिन ये क्या बोला जाएगा गाइज, ये बोला जाएगा हमारा होल्ड, ये होल्ड नहीं होगा, ये बोला जाएगा होल्ड, होल्ड इट, ना कि होल्ड इट, होल्ड इट, अ और उ का साउंड आएगा। ये गाइज उ के साउंड देखिए, यू के साउंड है, उ के साउंड है तीन, हमारे होता है दो, ये बहुत छोटा साउंड होता है। इस तरीके से करके जब भी देखिए ये लगा हुआ मिलेगा ये वाला, तो हम समझ जाएंगे एक्चुअल नहीं बोलना, एक्चुअल छोटा साउंड बोलना है, एक्चुअल वर्चुअल जिस तरह, ये जो वर्ड होते हैं इस तरह के वर्ड में ये ऐसा करके मिलेगा आपको लगा हुआ डिक्शनरी में, तो इसे समझ जाएगा ऊ ज़्यादा नहीं खींचना है, बहुत शॉर्ट बोलना है, एक्चुअल वर्चुअल ऐसे करके हम बोलेंगे ना। ऐसे गाइज ये इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसे ये होता है हम बोलते हैं पुट बाउल फाउंड, तो ये बोला जाएगा गाइज पुट बाउल, ऊ का साउंड जाए फाउंड। और इससे भी एक बड़ा साउंड होता है गाइज ऊ, यानी ये इससे भी ज़्यादा लंबा बोला जाता है, ये बोला जाएगा टू, इट्स टू मच, टू मच ऐसे करके हम बोल लेते हैं। फोर्ड सोन, सी यू सोन, सी यू सोन, सुन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सोन, तो इससे भी बड़ा साउंड होता है। तो गाइज आप समझ जाएगा जहाँ भी यू करके और ऐसे करके डॉट मिले आपको दो, तो आप समझ जाएगा ऐसे बोलना, मैं टू नहीं बोलना, मैं बोलना टू, इट्स टू मच, ऐसे ही मैं बोलना फूड सोन, ऐसा करके हम गाइज सब बोलेंगे। आगे देखिए फिर गाइज अ का साउंड, ये बहुत ही छोटा अ का साउंड होता है, देखिए वैसे देखिए अ ये ऐसा करके होता है, लेकिन मैंने क्या कर रखा है गाइज इसे थोड़ा सा कट कर रखा है, यानी ये बहुत हल्का सा साउंड आता है अ का, अ पूरा ए नहीं आएगा, ये हल्का साउंड आता अ। तो गाइज क्या बोला जाएगा, ये अबाउट है और ऐसे ही एडजस्ट हम बोलते हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा अबाउट अबाउट अबाउट, तो बहुत ही हल्का सा अ का साउंड आता है अबाउट अबाउट अबाउट। ऐसे ही देखिए हम एडजस्ट नहीं बोलते, डी का साउंड तो आता भी नहीं है, तो ये बोला जाएगा एडजस्ट एडजस्ट, ना कि एडजस्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, एडजस्ट हल्का सा साउंड आएगा। नेक्स्ट है गाइज आपका ए, पूरा ए का साउंड है गाइज ये, तो हम बोलते हैं कप, अब देखिए यू से मतलब नहीं है, हम बस साउंड पर जाएंगे सी यू पी कप बी यू टी बट डी अ एन ई डन, हम ओ इस पर नहीं जाएंगे, ओ लिखा हुआ है, ना ही हम यू पर जाएंगे, बस हम साउंड चेक करेंगे अ का साउंड आ रहा है कप बट डन, कप बट डन, तो ऐसे यहाँ पर लिखा है अ का साउंड है कप बट डन, कप बट डन ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ जब भी ये इस तरह का ए टाइप आपको मिले जिसमें डंडा ना हो, तो ये ए का साउंड होता है गाइस, इस वाले ए का अट अट अ साउंड होगा। जब भी आपको साउंड चेक करना हो, देखिए गाइस जब भी आपको साउंड चेक करना हो, एक ट्रिक मैं और बताता हूँ, जब भी आपको साउंड चेक करना हो तो स्टार्टिंग वाला जो आपका जो है कॉन्सनेंट होगा उसे हटा दीजिए, जैसे मैंने लिखा हट, तो ह को हटा दीजिए, बस ह हटा दीजिए, तो फिर चेक करिए अट अ का साउंड आ रहा है। अगर मैं लिखता हैट, तो है को हटा दीजिए, पहले हैट बोली फिर है हटा दीजिए, एट, तो ए का साउंड आएगा, यानी ये साउंड आएगा। तो साउंड चेक करने के लिए क्या होता है, आप बस एक काम कीजिए, स्टार्टिंग वाला जो कॉन्सनेंट है कॉन्सनेंट हटाइए और आपको वाउल का साउंड पता लग जाएगा कि कौन से वाउल का साउंड आ रहा है। आगे देखिए ये होता है गाइज, इससे भी बड़ा अ का साउंड होता है, थोड़ा अ खींचना होता है। एक चीज़ और बता दूं गाइज, मैं जैसे मैंने अल्फाबेट की जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें मैंने बता रखा है वैसे, लेकिन मैं एक बार और बता दूं कि र हम बोलते नहीं हैं, जो हमारी ब्रिटिश इंग्लिश हम सीख रहे हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश में र नहीं बोलते हैं, वो मैंने आपको बता रखा है। लेकिन देखिए जैसे यहाँ पर हम लिखा हुआ है सर वर्ब वर्क, तो मैंने कहा र नहीं बोलते, तो अब ये र की जगह ये जो अ जो है अ खिंचता है, देखिए साउंड किसका आ रहा है सर, अगर हम मतलब इस तरीके से बोले हिंदी में तो सर, तो हम बोलेंगे सर, लेकिन रे नहीं बोलना, हम क्या बोलेंगे सर,
इज माई टीचर ना कि टीचर, हम बोलेंगे टीचर तक बोलेंगे, रह नहीं बोलते, तो ऐसा बोलेंगे हम सर। ऐसे ही वर्ब लिखा हुआ है गाइस, हम बोलेंगे से वर्ब, लेकिन ए को हमें खींचना है, वर्ब नहीं करना एकदम से, हम बोलना वर्ब सर, वर्ब सर, ऐसे ही बोलना है वर्क ना कि वक, वक नहीं कर देंगे एकदम से, हम रह भले ना बोल रहे हो लेकिन उसका टाइम लेना है। वर्क, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, ना कि वर्किंग बोलेंगे एकदम से, वर्किंग थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे। फिर है गाइस आ का साउंड होता है, तो गाइस आ का साउंड जो होता है, देखिए ये पूरा आ होता है, पूरा खुलकर पूरा आ बोलना होता है आ, तो ये किस में होता है, जैसा हो गया फर्स्ट लास्ट। तो गाइस देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये साउंड लगा हुआ है जैसे आ का साउंड है, जब भी ए के बाद ये दो डॉट मिले या ये साउंड मिले तो आ का साउंड होता है। ऐसे लास्ट, फर्स्ट, वर्स्ट, कास्ट, जितने भी वर्ड होते हैं गाइस उनमें ये आपको ये मिलेगा, आपको डिक्शनरी में लगा हुआ, आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको डिक्शनरी का नाम भी बताने वाला हूँ। फिर है गाइस देखिए आगे, आगे गाइस एक साउंड और रहेगा इसका, ओ का साउंड, जो पूरा ओ बोला जाता है। तो गाइस ये ओ का साउंड ये होता है, तो एस ए डब्ल्यू, एस ए डब्ल्यू जहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम ऐसा बोलेंगे सौ, पूरा पूरा सौ ओ बोलना होता है इसमें, सौ, ड्रॉ, विड्रॉ, थ्रो, तो जहाँ पर भी ये मोस्टली ए डब्ल्यू होता है ज़्यादातर, तो इसमें जो ओ का साउंड होता है, ये पूरा ओ का साउंड यहाँ होता है गाइस, वैसा ओ नहीं बोला जाता ब्रिटिश में, जो ओ हम ये हम पढ़ते हैं ये वाला ओ, ये ओ नहीं बोला जाता, ये बोला जाता हमारा आ और ऊ, आ का साउंड होता है गाइस, ये आप उसमें देख सकते हैं जो अल्फाबेट वाली मेरी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए सौ ड्रॉ ये कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर ओ, जैसा आधा, जैसा हमने ओ बना दिया हो, ये साउंड कैसा होता है, जैसा हमने ओ बना दिया हो और इसे आधा कट कर दिया, ये ऐसा साउंड आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दो बिंदी मिलेंगी, ये तो आप समझ जाएंगे पूरा ओ का साउंड है, यानी सौ ड्रॉ थ्रो, ये ओ का साउंड होता है गाइस। अब देखिए डिपथंग्स ही चलेंगे इसमें जो होंगे, डिपथंग्स वो होते हैं गाइस दो, जो दो साउंड एक साथ मिलकर बोले जाते हैं, लेकिन अभी ये मैं वाउल करा रहा हूँ, अभी मैंने कॉन्सनंट नहीं कराए हैं, क्या को बोलेंगे इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कॉन्सनंट, आप कॉन्सनंट इसे बोलना शुरू करेंगे तभी आपको ये बोले जाएंगे, ऐसे ही आप हम वाउल नहीं, हम बोलेंगे इसे वाउल, वाउल वगैरह करके नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे वाउल, वाउल एंड कॉन्सनंट, कॉन्सनंट ऐसे बोला जाता है गाइस, अल्फाबेट, अल्फाबेट, वाउल, कॉन्सनंट। अब देखिए आते हैं डिपथंग्स पर, यानी जो डिबल जो हमारे साउंड होंगे वाउल के, तो ये है गाइस आ और ई का साउंड, इसे हम पहचान सकते हैं देखकर भी, ये आ का साउंड मैंने जैसे अभी बताया था यहाँ पर आ का साउंड है, ये यहाँ पर बिंदी वाले ना लगी हो, यहाँ पर आ और ई, आई, ये साउंड है गाइस हमारा आई का। ऐसे ही गाइस कोई भी वर्ड जिसमें ए और आई ऐसे करके लिखा हुआ आए आपको डिक्शनरी में यही मिलेगा, तो ये होएगा माय फ्लाई, तो आप चेक कर सकते हैं ये कौन सा मतलब डिपथंग इसमें आया है। आगे देखिए आओ, ये गाइस है हमारा आओ का साउंड, जैसे हाओ, नाओ, वाओ, आ और ओ का साउंड है, आ और ऊ, ये दिख गया, दिख रहा है मतलब इस तरीके से लिखा हुआ, और ऐसे ही आपको मिलेगा आपको डिक्शनरी में लिखा हुआ, यानी हाओ, वाओ, नाओ, जो भी वर्ड इस तरीके से होंगे तो उनमें ये साउंड आपको मिलेगा गाइस लिखा हुआ। आगे गाइस ईयर, ई और अ का साउंड है ईयर, ये मोस्टली साउंड गाइस आता है जिसमें आर होता है लास्ट में, ये साउंड ज़्यादातर आते हैं, ये जो तीन साउंड मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ इसमें ज़्यादातर मोस्टली जिनमें आर होता है, आर होता है क्योंकि ब्रिटिश में आर नहीं बोलते, तो इस तरह के साउंड है ईयर, तो जैसे नियर हो गया, क्लियर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे गाइस इसे, लेकिन नियर, कम नियर, कम नियर, ना कि नियर, हम बोलेंगे सर नियर, ऐसे गाइस क्लियर, इट्स क्लियर, क्लियर नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे क्लियर, क्लियर, लेकिन थोड़ा सा ऐसे आगे तक अ को बोलते हैं क्लियर, इट्स क्लियर, ना कि क्लियर। ऐसे ही गाइस है हमारे ए, ए अ, ए का साउंड है ए, ए का साउंड है ए और अ, ए अ, ऐसे गाइस देखे वर्ड लिखे हुए हूँ हेयर, वेयर, देयर, ऐसे करके जो वर्ड होते हैं तो हम इसे बोलेंगे हेयर, ए और ए का साउंड है यहाँ पर, वेयर, मैंने पूरे पूरे वर्ड नहीं लिखे गाइस, मैंने देखे
जो लिखे हैं ओनली वो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ओनली वो चेंज किया, वरना पूरा वर्ड ही अलग ही लिखा जाएगा पूरा जो आप उसमें चेक करेंगे ना। लेकिन ये एक एक करके सीखेंगे ना तो अच्छे तरीके से आ जाएंगे हमें। तो हेयर वेयर देयर ऐसा करके हम बोलेंगे। ये गाइज ऊ, देखिए यू का साउंड है ऊ यानी अ, ऊ और अ, ऊ का साउंड है। देखिए गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साउंड है, ये वाला जो साउंड मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये अ का साउंड जो है हल्के से अ का साउंड है, ये बहुत ज़्यादा आता है हर एक वर्ड में, मतलब ज़्यादातर वर्ड में मिल जाता है गाइज। तो इस पर आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से। उ और अ, ये जहाँ भी ये आएगा उल्टा ई टाइप जो लिखा हुआ है, उल्टा सिक्स टाइप जो लिखा हुआ है उ अ, तो अ का साउंड बहुत आता है उ। जैसे टूर, हम बोलते हैं टोर, लेकिन हमें रह नहीं बोलना तो हम ये साउंड यूज़ करते हैं टोर, प्योर। तो ये गाइज आपको लिखा हुआ मिलेगा तो ये समझ जाएगा आप, ये उ का साउंड है टूर, प्योर, ऐसे करके हम गाइज सब बोलेंगे। अब है गाइज आगे नेक्स्ट ट्रिपथंग्स, यानी तीन साउंड मिलकर जो एक साउंड बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रिपथंग्स। आ ऊ अ, अब देखिए इससे भी आपको पढ़ना आ जाएगा, आ का साउंड है जहाँ पर ए आएगा आ, ऊ यू आपको दिख ही रहा है इस तरह का यू बन, देखिए इस तरह का ये मुझसे सही से बना नहीं है, ये ऐसा करके आपको मिलेगा डिक्शनरी में। ओ आ ऊ अ, आवर, हम बोलते हैं आवर लेकिन ये बोला जाएगा आवर, आ ऊ अ आवर। फिर है ऐसे टावर लिखा हुआ है, ये बोला जाएगा टावर, तो ये देखें आ ऊ अ के साउंड आपको मिल जाएंगे आपको डिक्शनरी में लिखे हुए। फिर है गाइस आपका आ ई अ, आ ई का साउंड मिल गया और ए का साउंड, आ ई ए। आपको अब करते करते ना आपको खुद समझ में आने लगा होगा अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो। आयर, फायर, वायर, तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं आ ई अ, आ ई अ, फायर, वायर। आप देखिए मैंने साउंड चेक करने का आपको बता ही दिया है कि हमें अगर वाउल साउंड हमें चेक करना है तो शुरू का क्या है, आप शुरू का जो कॉन्सनेंट लिखा हुआ उसे हटा दीजिए। तो जैसा फायर है हम फायर बोलते हैं तो फ हटा दिया आयर, आ ई अ, फायर, फायर का फा हटा दिया आयर, फायर आयर, तो हमें साउंड भी पता लग जाएगा जो हमारा वाउल साउंड है। ऐसे ओ, देखिए ओ का साउंड है ओ ई अ, ओ ई अ, अभी इसमें क्या लिखा है एम्प्लॉयर, तो यहाँ पर गाइस क्या लिखा जाएगा, ये साउंड आएगा गाइस हमारा ये ओ, ऐसे साउंड आएगा ई और अ, एम्प्लॉयर, 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 ऐसा करके गाइस ये बोला जाता है, रह नहीं बोला जाता। लेकिन हाँ अगर देखें अमेरिकन की बात करें उसमें रह बोला जाता है, लेकिन र बोलते वक्त हमें अपनी टंग रोल करनी होती है ऊपर। जैसे मैंने बोला इसमें टीचर बोला, मैंने इसमें बोला टीचर, रे नहीं बोला, उसमें बोलेंगे टीचर, रे ऊपर बोला जाता है। ऐसे मैंने बोला सर, ब्रिटिश में क्या बोलूँगा मैं, ये तो हिंदी अपनी इंडियन में हो गया, ये इंडियन एक्सेंट में हो गया, सर बोला मैंने, लेकिन ब्रिटिश में सर, अमेरिकन में सर। तो टंग हमें ऊपर ले जानी पड़ती है इसमें, जितने भी देखे ये वर्ड्स लिखे होते हैं। जैसे आपका एक वर्ड हो गया सैटरडे, हम इंडियन में हम बोलेंगे सैटरडे, ब्रिटिश में बोलेंगे हम सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। तो गाइज ये क्या है, अमेरिकन में जो आर बोला जाता है वो टंग ऊपर ले जानी पड़ती है गाइज उसमें। सो आई होप देखिए आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट भी आगे के जो साउंड बचे हुए हैं कॉन्सनेंट वो भी मैं इसी में बना दूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे कॉपी भी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए कॉन्सनेंट साउंड थोड़ा आगे और देखिए कंप्लीट साउंड आपके हो जाएंगे। वाउल साउंड में आपको करा चुका हूँ, अब देखिए कॉन्सनेंट साउंड पर हम चलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्या बोलेंगे ना, कॉन्सनेंट। और देखिए ये करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये लैंग्वेज लिखने भी आ जाएगी और आपको पढ़नी भी आ जाएगी। आप बनाकर भी देख सकते हैं वर्ड्स का इस लैंग्वेज में जो मैंने आपको बता रखी है, और आपको ये पढ़नी भी आ जाएगी अगर आप एक एक करके ये लेटर वाइज आप देखते रहेंगे। जितने भी देखे मैंने आईपीए लिखे हुए हैं, ये भी देखिए आईपीए ही हैं,
यानी जैसे मैं बता चुका इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट जो भी है ये। देखिए पहले मैं आपको इधर के बता दूँ ये क्या है। देखिए कॉन्सनेंट कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ये हम यूज़ कर रहे हैं पहले से ही। तो गाइस ये थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, जैसे मैंने वाउल अभी आपको कराए हैं इससे पहले, तो वाउल जो है वाउल थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। लेकिन ये क्या है, हम पहले से बी को बै बोलते आ रहे हैं तो बी को बै ही बोलेंगे बैट। ऐसे डी को हम डे बोलते आ रहे हैं डन। एफ को फ बोलते आ रहे हैं फ। जी को ग बोलते आ रहे हैं गविंग गविंग, वही ग ही बोलेंगे हम इसे। के को हम क्या बोलते हैं, जैसे क्लियर है लेकिन हम यहाँ के लिखेंगे क्योंकि साउंड हमें ओनली साउंड लिखना होता है क्लियर। ये आपको मिलेंगे जहाँ पर मैंने ब्लैक ये लगाया हुआ है मार्क, यहाँ पर ओनली इनकी अभी बात हो रही है, इससे पहले मैं करा चुका हूँ। और एल जो आपका एल होगा, तो एल देखिए एल सेम होगा, ले के लिए एल आता है, एम के लिए मैं आता है, पी के लिए प आता है, ये बिल्कुल सेम है जो हम बोलते हैं ऑलरेडी पहले से हम बोलते हैं। आर के लिए रा आता है, टी को देखिए टी को थोड़ा सा ठ करके बोलते हैं गाइस, बिल्कुल जो हिंदी वाला ठ है उतना हार्ड नहीं, सॉफ्ट करके हम टै को, या तो टै को हम हार्ड कर सकते हैं, जैसे हमें बोलना है टीचर, हमें टीचर बोलना है लेकिन ब्रिटिश में हम कैसे बोलेंगे टीचर, इतना टीचर करके नहीं बोलना कि पूरा ठ करके बोलेंगे हम। ठ को या तो लाइट कर लीजिए या हम जो हमारा टै हो टै को थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं टीचर टुमारो, तो ठ करके हम बोलेंगे, तो टै नहीं बोलते इसमें, बोला जाता ठ लेकिन सॉफ्ट वाला ठ। वी को हम वही बोलते हैं, डब्ल्यू को भी हम वह बोलते हैं राइट, लेकिन जहाँ पर W आता है वहाँ पर W ही आएगा। ये साउंड है गाइस, ये भी आई पी है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये भी आई पी है, हम सेम बोलते हैं। आगे देखिए जो समझने वाले हैं ये समझ लीजिए, थोड़े से जो समझने की चीज़ है, ना के लिए हम सेम बोल रहे हैं, ना के लिए नॉट, ने हम बोल रहे हैं, सेम ही चीज़ है। लेकिन गाइस ये देखिए एन को इस तरीके से करके जो बनाया गया है, देखिए जैसे एन हो गया हमारा थोड़ा ऐसे करके थोड़ी सी नीचे को निकाल दिया गया है ज़्यादा, तो इसका मतलब होता है अंग। अब इंग अंग उंग कुछ भी बोले आ, यानी आ और ग का साउंड आएगा हल्का सा आ और ग का, जो ए अंगूर होता है हमारा हिंदी वाले अल्फाबेट में, तो उस तरीके से सिंग बोले तो ये आएगा, संग बोले तब भी आएगा, ये लगा हुआ आएगा, यानी अंग का साउंड होगा सीधा, ये नहीं ग का साउंड नहीं होगा या ए का साउंड नहीं होगा, अंग अंग साउंड होगा अंग सिंग। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहचानने बता दिया सिंग, पहचानने के लिए हम क्या हमें सपोज साउंड पहचानना तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला कॉन्सनेंट हटा दो, जैसे मैंने बोला सिंग तो हम सिंग का स हटा देंगे इंग, तो पता लग गया अ और ग का साउंड आया सिंग। मैं बोलता संग तो स हटा देता अंग अंग इंग अंग अंग, किसी का भी साउंड आए तो आपको ये लगावा मिलेगा। आगे आपका स, ये हम सेम बोलते आ रहे हैं संडे स, तो हम ये सेम बोलते आ रहे, तो ठीक है सेम है। अब देखिए ये जो है हमारा जो स सलजम जैसे होता है हिंदी में, स वाला जो होता है उसके लिए हम ऐसे करके, ये थोड़ा सा एस को बड़ा लंबा सा है ये, तो आपको ऐसे ही मिलेगा उसमें लिखा हुआ गाइज, मुझसे शायद सही से नहीं लिखा गया बट आपको ऐसे ही मिलेगा गाइज, ये लिखा हुआ ऐसा करके थोड़ा लंबा सा ये, तो ऐसा सब आपको मिलेगा जहाँ पर ये मिले, तो आप समझ जाइए कि आपको हमें सू नहीं बोला, बोला सु सु वेर इज़ माई सु। ऐसे देखिए च, च के लिए आपको मिलेगा टी और ये स, ये वाला लगा हुआ, ये दोनों इनका मतलब होता है च, जो आपको ये मिलेंगे आपको लगे हुए तो आप समझ जाएगा, यानी इसका मतलब है च, यानी चेन चेयर चेयर, जो भी मतलब च से वर्ड बनेंगे आपको ये लगा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है गाइस च। फिर है गाइस आपका जेड, जेड का साउंड देखिए जहाँ पर जेड होगा सेम साउंड है, जहाँ पर जेड होगा वहाँ पर ये आएगा। अब देखिए आगे गाइस क्या है आपका, ये देखिए छोटा जेड टाइप है, जैसे देखिए ये जेड होता है तो इस तरीके से करके जब भी आपको मिलेगा, लेकिन जेड जहाँ पर ये जेड होता है वहाँ पर नहीं होता है ये साउंड, यहाँ एस वालों में होता है, एस वालों में यहाँ यानी जे का साउंड तो आएगा लेकिन क्या आएगा यहाँ पर जेड नहीं आएगा, यहाँ पर एस वगैरह करके आएगा या टी वगैरह करके आएगा, तो ज के लिए क्या आएगा विजन, तो ये ज कौन सा है, ये ज नहीं है, ये क्या बोला जाता है जेड, अल्फाबेट जैसे मैं बना चुका हूँ उसमें देख सकते हैं आप अल्फाबेट वाली वीडियो में, तो देखिए विजन तो ये होगा विजन, तो यहाँ पर ये ज का साउंड आएगा। ऐसे D3 का मतलब भी ज होता है लेकिन ये जे के लिए आता है, ये जे के लिए आता है यानी जनवरी जनवरी जनवरी, तो ज का साउंड ही आएगा गाइस। ये D3 का मतलब भी क्या होता है ज, तो तीन साउंड है, एक तो ये ज का साउंड है, एक ये, एक तो कैपिटल जेड हो गया, एक स्मॉल जेड समझ लीजिए इसे, लेकिन जहाँ पर एस वगैरह आता है वहाँ ही आएगा, और फिर D3 गाइस, तो D3 वहाँ पर आएगा जहाँ पर जे वाला ज आएगा। अब देखिए गाइस थ,
अभी थीटा आपने शायद मैथ में पढ़ा हो, थीटा होता है तो उसका ये साउंड होता है। तो देखिए जहाँ पर ये आएगा तो आपको बोलना थिंक थिंक थैंक यू थिंक थैंक यू। जहाँ पर ये वाला साउंड आता है गाइज इस तरीके से करके हमें बोलना होगा और आप समझ जाएगा ये किसका साउंड है, थ का। फिर गाइज ये अल्फाबेट अल्फा टाइप होता है, शायद ये मैथ में से अल्फा बोलते हैं ऐसा करके गाइज ये होता है। तो ये जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होता है गाइज द, यानी दिस दिस देयर, तो ये आपको मिलेगा साउंड गाइज इसका लगा हुआ। ऐसे गाइज ये है, ये होता है गाइज ये का साउंड, यानी ये जे टाइप जो बना हुआ है ये ऐसा बना हुआ है जैसे जे होता है छोटा जे, तो ऐसे करके ये बना हुआ। अगर ये लगा हुआ मिलेगा इसका जय मतलब नहीं, इसका मतलब है ये, यानी यस, जहाँ भी जे ऐसा करके मिलेगा यस येस्टरडे येलो, तो ये का साउंड गाइज ये होता है। तो गाइज देखिए आपके साउंड एक ही वीडियो में आपके साउंड मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आप इन्हें सीखकर आप देखिए इस लैंग्वेज को लिखना भी सीख सकते हैं और आप बोलना भी सीख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए ब्रिटिश एक्सेंट उस तरीके से बोलना आ जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है। और एक्चुअल में मतलब सीखने ये जो है सही बोलने के लिए आप अल्फ़ाबेट वाली वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। बिकॉज गाइज आपको अल्फ़ाबेट का आपको पता लग जाएगा किस किस लेटर को हम किस तरीके से बोलते हैं। इसमें तो मैंने लिखना बताया है कि आपको लिखा हुआ कैसे मिलेगा, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बोलना किस तरीके से है। अल्फ़ाबेट आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आपको क्लियर पता लग जाएगा किस तरीके से हमें बोलना होता है। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अगर देखिए आपको समझ में आया हो अच्छे तरीके से, आपको ये वीडियो सही लगी हो, सो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट। ओके गाइज थैंक यू, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।